मन चिंतन कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सवाल आपसे पूछते हैं, कड़वा सवाल ये कि टाइगर जयराम है तो अगर यदि आपके प्रचार प्रसार में आते तो क्या दशा और दिशा रहता? क्योंकि शायद जब जेल में थे टाइगर जयराम है तो यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, ना ही आपके प्रचार प्रसार में आए थे। तो इसको लेकर के मानते हैं कि ये मेरा सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरे चुनाव को लेकर के रहा। एक ऐसा हालात, ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति आया कि जनता भी इस बात को समझे। कमी रह जाता है, कैसा कमी रहता है? आपने कहा कि जेल, जेल एकमात्र ठीक है, मानते हैं चलिए जेल में बहुत बहुत सारे लोग चुनाव जीते भी हैं, लेकिन आप केवल जेल का लोगों को झांसा देंगे या फिर और कुछ कहेंगे तो ये कहाँ तक सत्य है? क्योंकि अगर यदि आपके पास तमाम वो कम्युनिटी के लोग अगर यदि साथ रहते, वो मुस्लिम हो चाहे और भी अन्य समाज के लोग होते, तो शायद ये एक तरह से अगर यदि कहा जाए हार का सामना नहीं करना पड़ता। कहाँ चूक रही आप? देखिए स्पष्ट एक सवाल और है, नॉमिनेशन के समय में तमाम जो JBKCS के उम्मीदवार थे, वो चाहे चतरा लोकसभा की बात कर लें या फिर हजारीबाग लोकसभा की बात कर लें, वहाँ पे जयराम महतो पहुँच जाते हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का जब जिस दिन नॉमिनेशन होता है, जिस दिन अरेस्टिंग होता है, उस दिन भी जयराम महतो यहाँ नहीं आते, और उसके शायद ठीक 2 या 3 दिन के बाद यही कोर्ट के परिसर में जयराम महतो को देखा जाता है, बेल लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब लगता है कि जयराम महतो का समर्थन आपको नहीं मिल रहा है। खासतौर पर मैं उन तमाम लोगों के लिए सवाल जो कमेंट करके मुझे पूछते थे कि देवेंद्र के साथ जयराम नहीं दिखते हैं, देवेंद्र के साथ जयराम नहीं दिखते, तो आप मानते हैं इस चीज़ को या फिर जानबूझ करके बोलना नहीं चाहते हैं? आज पर्यावरण दिवस भी है और पर्यावरण दिवस के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कैंपस में लगातार पेड़ लगाते हुए दिखे, ऐसे में हमारे साथ हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप पेड़ लगाने का दिमाग में आइडिया आया? एक तरफ तो पहले कहा जाए तो अगर यदि दूसरे तरफ नेता लोग जो है सो एक दूसरे को मतलब परस्पर जवाब देने में रहते हैं कि इसके वजह से हार गए, EVM हैक हो गया, और वहीं दूसरी तरफ आप पेड़ पौधे लगाने के लिए चले आए हैं। देखिए बाकी नेता से हमारा तुलना ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो यहाँ का राजनीतिक परंपरा है उसको बदलने के लिए हम लोग आए हैं, और जिस संघर्ष के राह पे निकले हैं इस राह पे हार और जीत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है विचार को मजबूती से आगे बढ़ाना। और हमने कल मतगणना के बाद ही मीडिया के माध्यम से घोषणा किया था कि नामांकन के रोज मुझे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया, और प्रचार प्रसार खत्म होने के एक दिन महत्वपूर्व हम जेल से निकले, और जेल के अंदर रहने के बाद पूरे रांची लोकसभा में जनता से हम दूर रहे, ना सभा कर पाए, ना रैली कर पाए, ना जुलूस निकाल पाए, ना स्ट्रेटजी बना पाए, ना बैठक कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन झारखंडी जनता को जो जगाए इससे पूर्व, जनता ने जग करके चट्टानी एकता का परिचय दिया और तन मन धन समर्पित भावना से सिर्फ वोट ही नहीं दिया, हमारे लोगों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, माँ चाची ने अपना अचरा से चावल दिया, पैसा दिया। तो हार और जीत मेरे लिए मायने नहीं रखता है, हम तमाम समर्थित सम्मानित मातुल्य पितातुल्य सभी जनता को हम हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मतगणना के बाद हमने घोषणा किया कि जितना वोट उतना पेड़ उसी विधानसभा में हम लगाएंगे, जिसका शुरुआत आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जहाँ से यह मेरा कॉलेज रहा है, यहाँ से हम दो दो विषय में PG के पढ़ाई किए हैं, तो इसी कैंपस में आज हम यहाँ सकुआ का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़ पौधा ये सब हम लगाए। और अच्छा, आपने कहा कि जिस विधानसभा से जितना वोट मिला है उतना ही पेड़ लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है? मिनिमम तो उतना लगाना है, चूँकि जो पर्यावरण असंतुलन से जो तापमान में वृद्धि आ रहा है, पानी में कमी हो रहा है, असमय वर्षा हो रहा है, प्राकृतिक जो है कि मानव को साथ नहीं दे रहा, तो सिर्फ रोना रोने से और उसका समाधान AC का आविष्कार करने से नहीं होगा। गर्मी बढ़ गया तो उसका आविष्कार हम पंखा का आविष्कार कर दिए, AC का आविष्कार कर दिए, तो ये समाधान नहीं है। पानी का जलस्तर घट गया तो हम और ज़्यादा डीप बोरिंग का गहराई बढ़ा दिए, ये समाधान नहीं है। इसका असली समाधान पर्यावरण का संतुलन के लिए, सुरक्षा के लिए हमको प्रकृति को बचाना होगा, पेड़ पौधा जंगल को बचाना होगा, और उसको लेकर के आज हम मिनिमम पौधा जितना जिस विधानसभा में जितना वोट उतना पेड़ लगाएंगे, और उसके बाद और सक्षम होंगे तो और पेड़ पौधा लगाएंगे, लेकिन हम अस्थायी समाधान की बात करेंगे समस्या का। एक सवाल है, सवाल ये है कि आप लोग करीब 1.5 लाख 1.5 लाख के आसपास वोट आपका आता है, और वैसे में क्या कमी रह जाता है, कैसा कमी रहता है? आपने कहा कि जेल, जेल एकमात्र ठीक है, मानते हैं चलिए जेल में बहुत बहुत सारे लोग चुनाव जीते भी हैं, लेकिन आप केवल जेल का लोगों को झांसा देंगे या फिर और कुछ कहेंगे तो ये कहाँ तक सत्य है? क्योंकि अगर यदि आपके पास तमाम वो कम्युनिटी के लोग अगर यदि साथ रहते, वो मुस्लिम हो चाहे और भी अन्य समाज के लोग होते, तो शायद ये
एक तरह से अगर यदि कहा जाए हार का सामना नहीं करना पड़ता, कहाँ चूक रही है? देखिए स्पष्ट है, आप फॉर्म भर के किताब कॉपी से अलग होने से एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चा का जन्म के साथ ही माँ से अलग कर देने से उस बच्चा का जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार सिर्फ नामांकन कर देंगे, नया नया हम लोग अभी आए हैं, नया छाप भी निर्दलीय के तौर पे मिला था, और इस बीच में हम जनता से दूर हो गए, और जनता से दूर रह करके ना सभा कर पाए, ना रैली कर पाए, ना जनसंपर्क कर पाए, इस बीच में चुनाव चिन्ह हर जगह तक नहीं पहुँच पाया, तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। उसके बावजूद जनता का जो प्यार आशीर्वाद मिला हमको, अभी कई विधानसभा के कई गांव से लगातार फोन आ रहे हैं, और उन लोग का एक ही सवाल है कि हमने अपना बूथ से 500 वोट दिया लेकिन निकला क्यों नहीं, गया कहाँ हमारा वोट? आखिर यह बहुत गंभीर सवाल है, हम मानते हैं, लेकिन मेरा सबूत का अभाव है, इसलिए इस मामला को हम चाह कर भी क्या करें क्या ना करें इसको लेकर के हम अभी लगातार मनन चिंतन कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सवाल आपसे पूछते हैं, कड़वा सवाल ये कि टाइगर जयराम है तो अगर यदि आपके प्रचार प्रसार में आते तो क्या दशा और दिशा रहता? क्योंकि शायद जब जेल में थे टाइगर जयराम है तो यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, ना ही आपके प्रचार प्रसार में आए थे, तो इसको लेकर के मानते हैं कि ये मेरा सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरे चुनाव को लेकर के रहा? नहीं, नेगेटिव हम नहीं मानते हैं, चूँकि एक ऐसा हालात, ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति आया कि जनता भी इस बात को समझे कि एक तारीख को उनका नामांकन हुआ, नामांकन के बाद उनको भी पुलिस के माध्यम से बहुत सारा परेशानी का झेलना पड़ा, वो भी फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े, उनका भी एक बड़ा क्षेत्र था, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी एक पूरा निगाह था, पूरा देश का, पूरा राज्य का, तो उनको भी बूथ बूथ तक घूमना था, तो उनका एक अपना मजबूरी था, इस बात को जनता समझे। लेकिन जनता को आखिर जो चिन्ह जाना चाहिए, आखिर वो नहीं मिलना, कहीं ना कहीं एक माहौल जो होना चाहिए था जिसके वजह से नहीं हो पाया, यही कारण जो है कि बहुत कोई चाहत था, जैसे कि बहुत कोई सहयोग किया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, चावल दिया, दाल दिया, अपना पंपलेट का प्रिंट कराया, लेकिन अंततः जो है कि जेल जाने के बाद विपक्षी दल जो है कि हमारे समर्थित जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। एक सवाल और है, नॉमिनेशन के समय में तमाम जो जेबीकेएसएस के उम्मीदवार थे, वो चाहे चतरा लोकसभा की बात कर लें या फिर हजारीबाग लोकसभा की बात कर लें, वहाँ पे जयराम महतो पहुँच जाते हैं, लेकिन देवेंद्रनाथ महतो का जब जिस दिन नॉमिनेशन होता है, जिस दिन अरेस्टिंग होता है, उस दिन भी जयराम महतो यहाँ नहीं आते, और उसके शायद ठीक 2 या 3 दिन के बाद यही कोर्ट के परिसर में जयराम महतो को देखा जाता है, बेल लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब लगता है कि जयराम महतो का समर्थन आपको नहीं मिल रहा है, खासतौर पे मैं उन तमाम लोगों के लिए सवाल जो कमेंट करके मुझे पूछते थे कि देवेंद्र के साथ जयराम नहीं दिखते हैं, देवेंद्र के साथ जयराम नहीं दिखते, तो आप मानते हैं इस चीज़ को या फिर जानबूझ करके बोलना नहीं चाहते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग शुरू से साथ साथ संघर्ष किए हैं, और हमने जितना आंदोलन किया है, एक स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से पांचों प्रमंडल पूरे संपूर्ण राज्य में, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, हर आंदोलन का जितना लीड किया उन्होंने बहुत समर्थन दिया है, और हम लोग एक ही साथ साथ हम लोग आंदोलन करके आज जेबीकेएसएस को खड़ा किए हैं, जेबीकेएसएस को आज जन जन तक पहुँचाने का काम किए हैं। पूरे दुनिया, जैसे कि जो भाषा का आंदोलन धनबाद से शुरू हुआ था, जिस दिन मानव श्रृंखला निकला था उस दिन हम लोग भी पांच प्रगणा क्षेत्र पे निकाले थे, और उसी दिन बात की, और धनबाद और बोकारो जिला से बाहर जिला पहली बार हमने जयराम जी को रांची जिला के राहे में बुलाए, उसके बाद उनके साथ साथ हम पूरा कोल्हान गए, पूरा राज्य भर में हम लोग घूमे, हर जगह सभा साथ में किए, हर जगह आंदोलन किए, साथ साथ चुनाव लड़े। तो कुछ लोग जो है कि तोड़ने का प्रयास करते हैं, फूट डालने का प्रयास करते हैं, इसीलिए कमेंट उल्टा पलटा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जयराम जी हमको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने हमेशा करते हैं। देवेंद्र दादा, आप एक आंदोलनकारी हैं, आप जब हमसे पहले आप आंदोलन करते थे तो आपको हम देखते थे, बहुत गर्व महसूस करते थे, आज हम लोग साथ साथ हैं, आप राज्य का बहुत ही, आप एक संघर्ष का मिसाल हैं, आप संघर्ष का एक प्रतीक हैं, ये जयराम दा खुद अपने मुँह से कहते हैं, इसीलिए मैंने बहुत ही रेस्पेक्ट और कद्र करते हैं, ऐसा कहीं बड़प्पन है। खैर कोई बात नहीं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दिमाग में ख्याल आ रहा है देवेंद्रनाथ में? तो अभी तो आपने शायद झारखंड के इतिहास में, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड के इतिहास में मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग आज तक कोई ऐसा नहीं नेता नहीं है जो हारने के बाद जितना वोट आए उतना पेड़ लगाए, और अगर यदि होगा कोई तो मेरी जानकारी आप लोग दुरुस्त कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके इस कार्य के लिए सराहना भी करता हूँ बाकायदा। लेकिन सवाल ये है कि क्या देवेंद्रनाथ महतो विधानसभा चुनाव में पूर्ण तरीके से मतलब फिर से भागीदारी लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे? देखिए, जो मेरा संघर्ष का शुरुआत हुआ,
जो हम छात्र का मुद्दा को लेकर के आए, रोजगार का मुद्दा को लेकर के आए, जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा को लेकर के, गड़बड़ी नियमावली के मुद्दा को लेकर के आए, नियोजन नीति स्थानीय नीति का मुद्दा को लेकर के आए, संघर्ष किए, इस शरीर पर सैकड़ों पुलिसिया लाठी को बर्दाश्त किए, सहन किए, इस राह पर कई रात जंगल झाड़ खुले आसमान पर बिताना पड़ा, और अपने इस संघर्ष के राह पे अपना माँ को भी खोए, फिर भी पूरा आंदोलन किए, मुख्यमंत्री घिराओ, विधानसभा घिराओ, झारखंड बंद, हर स्वरूप में डिजिटली फिजिकली आंदोलन किए। जब नहीं हुआ तो हम कसम भी खाए, जब तक नीति नहीं बनेगा तब तक जो है कि हम बाल नहीं कटाएंगे। मेरा जो विचार है, मेरा जो सोच है, मेरा जो संघर्ष है, मेरा इस राज्य का हित कल्याण और नीति के लिए है। लेकिन पहले लोकसभा का चुनाव आया तो जयराम दा का भी रिक्वेस्ट, संगठन का भी सहमति और हम लोग का सबका निवेदन से हम चुनाव पे उतरे। लेकिन राज्य का नीति बनाना मेरा प्राथमिकता है। लेकिन यह चुनाव लड़े या चुनाव में बहुत अनुभव मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखे समझे कि कैसे राजनीतिक दल जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, कैसे जनता को बहलाते हैं, कैसे जनता को ठगने का काम करते हैं। ये सारे चीज़ों को हम करीब से देखें, समझे, सीखें, इतना सीखें कि आने वाले दिनों पर बहुत ही बेहतर करेंगे हम लोग। और अपना जो टारगेट है, झारखंड जिस उद्देश्य से गठन हुआ है, धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को अबुआ देशम अबुआ राज को स्थापित करने के लिए, जो शहीदों का सपना है, जो आंदोलनकारियों का अरमान है, उसी को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन का शुरुआत और संघर्ष किए हैं। और इस संघर्ष का राह पे हम कभी भी विचलित नहीं हुए, चाहे सैकड़ों पुलिस या लाठी खाना पड़े, चाहे कितनों कैंप जेल झेलना पड़े, चाहे कितनों फर्जी FIR का सामना करना पड़े या होटवार जेल तक जाना पड़े, हम एक कदम विचलित नहीं हुए। हर चीज़ का, हर समस्या का आज बिना खाए पिए समर्पित भावना से हम समर्पित हैं। तो हम राज्य का हित और कल्याण के लिए हैं। तो निश्चित ही विधानसभा का चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है, और उसी वही मेरा जो है कि प्रमुख है मेरा, और उसी के लिए हम लोग इतना बड़ा संघर्ष किए हैं। और निश्चित ही विधानसभा में हम लोग पूरे झारखंड में बहुत ही रणनीति के साथ, मजबूती के साथ हम लोग उतरेंगे। और जितना एक अभी जो भी वोट आया, जो समीक्षा करेंगे, हम कोई विधानसभा स्तरीय ऊपर नहीं करेंगे, हम हर एक बूथ में जाएंगे, चाहे रात सोना पड़ेगा तो रात सोएंगे। और जिस बूथ में जो जो टोला आएगा, उस सारे टोला वालों के, वहाँ के हमारे मातुल्य महिला को, पिता तुल्य आदरणीय बुजुर्ग को, साथ में संघर्ष करने वाले नौजवान साथियों को, सबको बुलाएंगे, एक एक आदमी का विचार को सुनेंगे, उसका सोच को समझेंगे, उसके वहाँ का स्थानीय समस्या को समझेंगे, और जितना उस बूथ में जितना वोट आया है उतना पेड़ लगाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो है कि उस विधानसभा को एक समिति, मैंने बूथ का, उस बूथ में समिति कमेटी तैयार करेंगे, और जो भी सोच समझ जैसे जैसे दिग्भ्रमित होता है उस सब को लेकर के हम उनको जागरूक करेंगे, जन जागरण करेंगे कि कैसे वोट के समय तरह तरह का जुमला आता है, तरह तरह का डर दिखाया जाता है, तरह तरह का जो है कि लव लालच दिया जाता है, और हमारे भोले भाले सीधा साधा जनता दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसको लेकर के हम लोग हम पूरे बूथ बूथ जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो एक बूथ में हम एक रात सोएंगे पेड़ लगा करके। देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल है, क्या देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के लिए लड़ाई करेंगे? अब वो तो मेरा खून में है, वो तो मेरा दिल का धड़कन में है, वो तो हम तो पहले ही बोल गए थे, सांसद भी बनेंगे तो हम सांसद का जीवन नहीं जिएंगे, ना सांसद जैसा हम रहेंगे, हम छात्र जैसा ही रहेंगे, छात्र जैसा ही सोचेंगे। और ये जो सांसद रहते हुए सदन में भी आवाज़ उठाएंगे छात्र का, निकल के मीडिया को भी छात्र का आवाज़ उठाएंगे, और जरूरत पड़ेगा तो छात्र के साथ, ये जो सांसद होते हुए भी हम JPSC कार्यालय जाना पड़ेगा तो जाएंगे, JSSC कार्यालय जाना पड़ेगा तो जाएंगे, सड़क पर उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे, उस नेचर को नहीं बदल सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात कही देवेंद्रनाथ महतो ने कि हम सांसद होते हुए भी छात्रों के लिए हमेशा मरेंगे और जिएंगे। खास करके एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि क्या आपने कोई हारे हुए नेता को हारने के बाद पेड़ लगाते हुए देखा है? क्या देखा है तो हमको लगता है शायद पहली यही जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वही होंगे, और उसके अलावा नहीं होंगे। अगर यदि होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।